हेलो गाइस, वेलकम टू सर्जिकल स्टोरीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्स दिल्ली के बारे में। आप एम्स दिल्ली कैसे पहुंच सकते हैं? एम्स की ओपीडी जिसका नाम राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी है, आप इसमें कैसे दिखा सकते हैं? इसका ओपीडी कार्ड कैसे बनेगा? ओपीडी की टाइमिंग्स क्या है और ओपीडी में दिखाने का पूरा प्रोसेस क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं? अगर आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं ली है तो आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाएंगे? कहां से आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना पड़ेगा? और नई बिल्डिंग में जो तीन विंग है ए बी और सी, हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आ रहे हो तो आपको कहां पे रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना है, अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली है तो आपका ओपीडी कार्ड कहां बनेगा और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आप ओपीडी बिल्डिंग तक कैसे पहुंचे। ओपीडी बिल्डिंग तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क, क्योंकि ये बिल्कुल एंड में बना दिया गया है। 213 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत बड़ा टास्क है और इसमें 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक लग जाते हैं। हॉस्पिटल की फ्री शटल सर्विस लेने के लिए भी आपको 30 मिनट से 45 मिनट तक का वेट करना पड़ सकता है। इससे अच्छा आप पैदल ही वहां तक जा सकते हैं और आपका एक एक मिनट बहुत कीमती। अगर आप घर से टाइम से निकले हो और हॉस्पिटल में आपने 30 से 45 मिनट सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही लगा दिए तो आपका घर से टाइम से निकलने का कोई फायदा नहीं। इससे बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा, अगर आपको ओपीडी में दिखाना है तो आप हमेशा गेट नंबर 6 से एंट्री करिए। 6 नंबर गेट साउथ एक्स बस स्टैंड के जस्ट एकदम पीछे है, जो कि रिंग रोड पे ही है। तो यहाँ से आपकी ओपीडी बिल्डिंग मात्र 200 से 300 मीटर ही है। जो पैदल चलोगे तो 4 से 5 मिनट आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आप ओपीडी कार्ड कैसे बनवाएं और दिखाने का क्या प्रोसेस होता है। जैसे ही आप ओपीडी बिल्डिंग में घुसते हो आपको राइट साइड में ए विंग मिलेगी। यहाँ पे उन लोगों का ओपीडी कार्ड बनता है जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं ली है, इसलिए यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आओ। और अगर आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रखी है तो आप लेफ्ट साइड में सी विंग के अंदर जाएंगे, जहाँ पे विद अपॉइंटमेंट जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रखी है उनका ओपीडी कार्ड बनता है। इन्होंने बिल्डिंग अलग अलग करके बहुत बढ़िया काम करा ताकि लोगों में कोई भी कंफ्यूजन ना आए। जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रखी है उनकी बिल्डिंग ही बिल्कुल अलग है, सी विंग में उनको ओपीडी कार्ड बनवाना पड़ेगा और जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं ले रखी है उनको ए विंग में दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे लाइन में लगने से पहले आप एक बार गार्ड से कंफर्म कर लो कि आप सही लाइन में लगे हो या नहीं। वहाँ पे हर 10 मीटर पे आपको कोई ना कोई गार्ड जरूर मिल जाएगा। आपका ओपीडी कार्ड बनाने के लिए वो लोग बेसिक डिटेल मांगेंगे, जैसे नाम, आधार नंबर, फोन नंबर, एड्रेस और आपको क्या दिक्कत है। ये सब बताने के बाद आपका ओपीडी कार्ड बन जाएगा और उसी के ऊपर आपके डॉक्टर की डिटेल लिखी होगी कि आपको कौन सा रूम नंबर अलॉट होगा। आप उस रूम नंबर में जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपको देखेगा, कंसल्ट करेगा और आपकी दवाइयाँ लिख देगा। उस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही अमृत फार्मेसी है जहाँ से आप अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। सबसे मेन बात, आप यहाँ की टाइमिंग नोट कर लीजिए। यहाँ पे गेट खुलने की टाइमिंग, रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग, गेट बंद होने की टाइमिंग, रजिस्ट्रेशन बंद होने की टाइमिंग, सुबह की ओपीडी की टाइमिंग और यहाँ इवनिंग में जो क्लिनिक लगता है, सबकी टाइमिंग मैं डिस्प्ले में दे दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके हिसाब से ही दिखाने जाइएगा। आप जब तक डॉक्टर को दिखाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, आपका हाफ डे हो गया होगा। अगर आप घर से खाना लाए हो तो ठीक है, नहीं खाना लाए हो, डॉक्टर को दिखाने और दवाई लेने के बाद आपका हाफ डे पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप घर से खाना लेके आए हो तो आप लंच कर लेना। अगर आप घर से खाना नहीं लाए हो तो आपको ए विंग के बगल में ही कैंटीन मिल जाएगी। वहाँ पे 60 रुपए की थाली मिलती है जो कि एक बंदे के लिए इनफ है। आपका पूरा पेट भर जाएगा और ओके ओके खाना भी रहता है। प्राइस भी कोई ज्यादा नहीं है, 60 रुपए की थाली बेस्ट है। और अगर आपको ये जानना है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप कैसे लेते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, ये वाली, आप इसको देख लीजिएगा। और नहीं तो आप ors.gov.in पे जाके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।